आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। विधानसभा में आज अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य की तीखी नोकझोंक देखने को मिली। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव नाराज हो गए। केशव ने कहा, सैफई में विकास के लिए पैसा कहां से लाते थे? क्या सैफई की जमीन बेचकर सड़कें बनवाई थी? केशव के इस बयान पर अखिलेश यादव नाराज हो गए। जाहिर और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी और फटकारते हुए कहा, तुम कहां से पैसा लाते थे? अखिलेश यादव ने कहा, तुम क्या पिताजी से पैसा लाए हो? इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी को बीच बचाव करना पड़ा। सीएम ने कहा, डिप्टी सीएम के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना हो। सीएम ने कहा कि सदन में असभ्य शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी को कुछ पर्सनल नहीं कहना चाहिए, सदन में असभ्य शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जी, इतना उत्तेजित होना ठीक नहीं। उपलब्धि बताना सरकार का अधिकार होता है। तो जहां आज उपलब्धियां गिनाई जा रही थी सरकार की, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौजूदा वक्त और पीछे के 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धि बताई, और 5 सालों की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कई बातें कही। अपनी उपलब्धियां बताते हुए तंज भी कसा सरकार, सपा सरकार पे, और ये भी कहा कि आपको जनता ने नकार दिया है, इसलिए आप विपक्ष में हैं। और इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को बीच बचाव करने आना पड़ा। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच काफी तू-तू मैं हुई, बहस हुई, और कहीं ना कहीं ये बात ज्यादा बढ़ गई। विधानसभा अध्यक्ष को भी दोनों को शांत करवाना पड़ा, और ये भी कहा गया कि सदन में इस तरह की बातें और इस तरह के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। जिस तरह से सदन में हर बार हंगामा देखने को मिलता है, सदन के कार्यवाही के पहले दिन काफी हंगामा देखने को मिला, लेकिन बीते दिन काफी शांतिप्रिय तरीके से और सभ्यता के साथ सदन की कार्यवाही देखने को मिली। सभी प्रश्न उत्तर करे गए, और आज भी पूरा दिन इसी तरह से सदन की कार्यवाही देखने को मिली। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो जनता ने आपको नकार दिया है, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को ये बात भी कही। जहां गर्मी की बात भी आज काफी सुनने को मिली, अखिलेश यादव ने तंज कसा केशव प्रसाद मौर्य पे, और उन्होंने भी इसका जवाब दिया। तो एक एक करके दोनों ने अपनी बातें रखी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, आज केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, आखिर इसकी शुरुआत हुई किस बात से? देखिए, आज की सदन की जो कार्रवाई है, क्योंकि पहले दिन की कार्रवाई भी हम लोगों ने देखी, वो भी हंगामेदार थी, और कल मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के बीच में भी काफी कुछ बहसबाजी हुई थी। आज का ये जो मामला था, आज भी सरकार के सामने कई सारे सवाल जो थे वो विपक्षी दलों की तरफ से खड़े किए जा रहे थे, और उसी दौरान अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो थोड़ी बहुत बहस जो है वो शुरू हुई थी, ये नोकझोंक शुरू हुई थी। और ये नोकझोंक जो थी, ये पहले हंसी मजाक में थी, दोनों ही लोग हंसी मजाक में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, और उसी दौरान कटाक्ष करते करते विकास के मुद्दे पर बात होने लगी कि आखिर किसने कितना निर्माण करवाया। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री थे पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन इनके जिले की जो सड़क है वो सपा सरकार के दौरान बनी थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उसके एवज में केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव इस बात को कहते आ रहे हैं कि उन्होंने हाईवे का निर्माण करा दिया, एक्सप्रेसवे का करवा दिया, सड़कों का निर्माण करा दिया। तो क्या ये निर्माण उन्होंने जो सैफई की जमीनें हैं उसे बेच करके करवाया है? इतने पे अखिलेश यादव ज्यादा कुछ तिलमिला गए, और तिलमिलाहट में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को तुम कह करके भी बोल दिया, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या तुम अपने पिताजी से पैसे लेकर के आते हो, जो लोगों को राशन बांट रहे हो या जो सड़कें बनवा रहे हो, क्या अपने पिताजी से पैसे लेकर के आते हो? इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी
सवाल खड़े किए हैं कि संसदीय भाषा का प्रयोग क्यों अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, इसको रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाए, माफी मांगे, इस तरह की बातें जो है वो कही गई। लेकिन फिलहाल इस बार का ये जो बजट सत्र है, क्योंकि कहा हमेशा से जा रहा था, जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आए थे उसके बाद से ही हर बार ये बात कही जा रही थी कि अब जो सदन में सत्र होगा उस सत्र में समाजवादी पार्टी मौजूदा सत्ता दल के ऊपर काफी हावी दिखाई देगी, और उसी का ही नतीजा आज फिर दिखाई दिया है जब अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के बीच ये तीखी नोकझोंक जो है वो हुई है। फिलहाल कल बजट आएगा और उम्मीद ये है कि कल भी इसी तरह से गर्मा गर्मी का जो माहौल है वो बना रहेगा। शिखा जी, नितिन, इससे पहले कई बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी ये बात कही जा रही थी कि ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है या फिर सपा का, लेकिन अखिलेश यादव ने आज कई बातें रखते हुए कहा कि ये सपा सरकार में लाया गया, उन्होंने तथ्य भी बताए और जिस तरह से उन्होंने बातें पेश करी आज कई तीखे वार करते हुए भी अखिलेश नजर आए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपना बताया, अपना प्रोजेक्ट बताया, लेकिन उसमें कमियां भी निकाल दी, सरकार की कमियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इसका जो काम हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, उसकी क्वालिटी पर भी बात कही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या फिर आगरा एक्सप्रेसवे, इन दोनों ही एक्सप्रेसवे की अगर बात करी जाए तो इन दोनों का जो ऑन पेपर का काम शुरू हुआ था वो बसपा सरकार में ही हुआ था, जब मायावती उत्तर प्रदेश की कागज पे काम होने के बाद उसका जो प्रपोजल था वो दिया गया था, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने निर्माण कराया। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम होना था, लेकिन वो जब सरकार चली गई तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार बीजेपी, उसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया। लेकिन जब इसका उद्घाटन हुआ तो ये सवाल खड़े हो रहे थे कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है, जो जन सुविधा केंद्र है वो नहीं है, हॉस्पिटैलिटी की कोई सुविधा नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, कई सारी जो चीजें थी उसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे। और तब भी विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया, और अखिलेश यादव लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब भी गुजरते हैं वो वहां की तस्वीरों को सोशल मीडिया पे डालते हैं, जब वहां पर या तो छुट्टा जानवर घूम रहे हो या कोई ऐसी सुविधा या असुविधा की जो चीजें हैं उसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते आए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बनवाया किसने या किसने नहीं बनवाया, ये तो बात की बात है। ये देखिए, ये एक प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है बीती सरकार ने उस पर प्रपोजल पर काम किया था, उन्होंने कागज पत्र की कार्रवाई की थी, और जाहिर सी बात है जो मौजूदा सरकार रहेगी वही आगे का काम करेगी। तो वो काम समाजवादी पार्टी ने भी किया था, क्योंकि बसपा ने कागज पे काम किया था, और बसपा के काम के बाद समाजवादी पार्टी ने आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम आगे किया, और उसी तरह से बीजेपी ने भी काम अपना किया है। समाजवादी पार्टी ने जिस काम की शुरुआत की थी उसको पूरा बीजेपी ने किया। तो ये एक प्रक्रिया है जो सरकारें करती आई है, और उसी प्रक्रिया को आज कहीं ना कहीं सदन के द्वारा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो आज काफी तीखे तेवर देखने को मिले, और अब आपको सुनाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जब सदन में गहमा गहमी हुई तो क्या कुछ सुनने को मिला। नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती हर योजना को एक स्टीकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके अब इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं, आने वाले 25 साल तक कभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता था कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था, और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था, और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, उस सीट से आया था जिसकी आपको बड़े गुड़गांव दिखाई दे रहे हैं, उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। कम से कम गरीबों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, और उस बुलंदशहर के परिवार को भी मिलना चाहिए। वो पत्नी चिल्ला रही थी कि मेरा पति अंदर सो रहा है, कम से कम उसको उठा लेने दो, लेकिन अधिकारियों ने कुछ सुनवाई नहीं की, और उसके ऊपर ही बुलडोजर चला दिया। सुनने में आया कि उसकी जान चली गई। बताओ कौन दोषी है नेता सदन? अगर इस तरह काम होगा तो बताओ हम किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। नेता
रुक करते अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने नामांकन कर दिया है। कपिल सिब्बल और जावेद अली खान के अलावा डिंपल यादव का नाम भी इस लिस्ट में है। कपिल सिब्बल के नामांकन के साथ साफ हो गया है कि सीनियर कांग्रेसी कपिल सिब्बल अब समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में राज्यसभा जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वो जनहित के मुद्दों को राज्यसभा में उठाएंगे और समाज के हित के लिए काम करेंगे। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अचानक से कपिल सिब्बल सपा की तरफ से राज्यसभा जाने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या दोनों में कोई अंदरूनी बैठक हुई है जिसको अभी सामने नहीं लाया जा रहा है, और आज जब नामांकन करा गया सपा की तरफ से तब ये बात निकल के सामने आ रही है कि 16 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कपिल सिब्बल ने? सिब्बल पुराने कांग्रेसी रहे हैं और देश के जाने माने वकीलों में शामिल हैं। कई सारे बड़े मामलों में उन्होंने वकालत की है और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकीलों में कपिल सिब्बल का नाम शामिल है। आजम खान का जो मामला रहा है, आजम खान के मामले में भी कपिल सिब्बल ने बढ़ चढ़कर जिरह की है, और आजम खान अगर इस वक्त जमानत पर बाहर आए तो उसमें कपिल सिब्बल का एक बहुत बड़ा रोल है, ऐसा आजम खान ने भी कल कहा था। उन्होंने साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया था कि अगर वकील हो तो कपिल सिब्बल की तरह हो और नेता हो तो कपिल सिब्बल की तरह हो। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से आज बड़ा दिल दिखाया गया है। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि कांग्रेस के पास इतने विधायक नहीं है कि वो राज्यसभा किसी भी व्यक्ति को यहाँ से भेज सकती है, और समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज करके दो चीजों पर काम करना चाहती है। पहली चीज तो कहीं ना कहीं वो आजम खान के मामले में कपिल सिब्बल ने जिस तरह से वकालत करी है, और कपिल सिब्बल जिस तरह से बेहतर एक नेता भी है, केंद्र में पहले भी उन्होंने कई बार अपनी बात जो है वो सजग तरीके से रखी है, तो उसका भी इनाम उन्हें दिया गया है। दूसरी चीज, शायद इसकी डील पहले भी हुई हो, दूसरी चीज ये है कि आजम खान को भी कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी समाजवादी पार्टी से चल रही है उस नाराजगी को भी खत्म करते हुए इस कदम को देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आजम खान के मामले में कपिल सिब्बल ने जिस तरह से जिरह की है, आजम खान के मामले में जमानत अगर उन्हें मिली है तो कपिल सिब्बल की जिरह की वजह से ही मिली है, तो ये भी हो सकता है कि आजम खान से जो नाराजगी है वो खत्म करने की या उसे कम करने की कोशिश जो है वो करी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। फिलहाल कपिल सिब्बल आज लखनऊ आए थे, उन्होंने अपना नामांकन राज्यसभा के लिए किया है, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे, और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 16 मई को ही मैंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अब मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा जाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी मुझे इसमें सपोर्ट कर रही है, और अब मैं केंद्र में जाकर के राज्यसभा में वहां से जो आगे की जो राजनीति है वो करता हुआ नजर आऊंगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि यहाँ पे सदस्यता नहीं ली है, निर्दलीय खड़े हैं, तो क्या ये कांग्रेस के लिए ही खड़े हैं? क्योंकि ये सवाल बड़ा है, क्या ये राज्यसभा में जाने के बाद सदस्यता लेंगे सपा से या फिर नहीं लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, सदस्यता लेना ना लेना ये कपिल सिब्बल का अपना विवेक है। फिलहाल अगर वो राज्यसभा यहाँ से चुनकर जाते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सदस्यता लें, लेकिन हाँ ये जरूर रहेगा कि अगर उन्हें समाजवादी पार्टी सपोर्ट करके भेज रही है तो जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी का ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस के पास इतना वोट नहीं था यहाँ पर, इतने उनके विधायक नहीं थे कि वो कपिल सिब्बल या किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा भेज सके, तो ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस को वहां पर जाकर सपोर्ट करें। और दूसरी तरफ जो थर्ड फ्रंट बन रहा है या थर्ड फ्रंट बनने की बात हो रही है, या फिर यूपीए जो एक गठबंधन है केंद्र का, उसको सपोर्ट करते हुए कपिल सिब्बल दिखाई दे, हालांकि निर्दल प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं था, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सहारे कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने की तैयारी की है, उसमें लगभग वो कामयाब भी हो जाएंगे, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति करते हुए कपिल सिब्बल आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। इसके अलावा शिखा ये भी है कि दो सीटें और हैं जिसमें जावेद अली खान जो एक मुस्लिम चेहरा है, पहले भी एक बार वो राज्यसभा जा चुके हैं और कहा यह जाता है कि आजम खान से उनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है, तो यहाँ पर दो चीजें निकल कर सामने आई। पहली चीज, कपिल सिब्बल जो आजम खान के करीबी हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, उनको प्रत्याशी बनाया है, जिताकर राज्यसभा भेज रहे हैं, और दूसरे वो जिनकी आजम खान से बनती नहीं है वो है जावेद अली। तीसरी सीट पर अभी भी बहुत कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है, बताया जा रहा है कि डिंपल यादव हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि जयंत चौधरी को भेजा जाए, कुछ नामों पर अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, वो भी बताया जा रहा है कि कल परसों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद ये है कि डिंपल यादव का नाम ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि जयंत चौधरी ने लगभग मना किया हुआ है कि वो
नहीं लड़ना चाहते हैं राज्यसभा का चुनाव, और लोकसभा चुनाव 2024 में वो किसी एक सीट से लड़ करके लोकसभा जाना चाहते हैं, ऐसी उन्होंने मंशा जताई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस पर फैसला पार्टी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से लिया जाता है, किसे राज्यसभा भेजा जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो सपा उम्मीदवार कपिल सिब्बल अब राज्यसभा जा सकते हैं सपा के टिकट से। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले पर आज वाराणसी के सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसे अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई है। इस पर आज सुनवाई होनी थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इसको लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल हुई है। याचिका में चार मांगें उठाई गई हैं। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए। दूसरी मांग है ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले, मस्जिद के गुंबद को गिराया जाए। ये चार मांगे है जिसको लेकर याचिका दायर की गई है। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जिसे अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि इस पर फैसला जल्द आ सके। तो वैदिक सनातन संघ की याचिका अब ट्रांसफर कर दी गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। लगातार ज्ञानवापी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें नए नए याचिकाएं डाली जा रही हैं ज्ञानवापी से जुड़ी। इससे पहले श्रृंगार गौरी को लेकर याचिका डाली गई थी, रोजाना पूजा की मांग करी गई थी, और अब इसी से जुड़ी एक और याचिका भी बीते दिन डाली गई है, जिसपे आज सुनवाई होनी थी, और सुनवाई के दौरान इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ज्ञानवापी का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सबसे पहले इसमें याचिका डाली गई थी कि जो श्रृंगार गौरी की साल में एक दिन पूजा होती है, उसे रोजाना करने की मांग करी गई थी, और अब एक याचिका और डाली गई है जिसमें चार मांगे हैं, और इसमें चार मांगे हैं कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई जाए, जहां पे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, जहां पे रोजाना नमाज पढ़ी जाती है। और अब ये याचिका डाली गई है कि यहां पे मुस्लिमों की एंट्री को ही रोक दिया जाए, ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए। तो पहले पूजा की मांग करी गई थी, अब जो ये दूसरी नई याचिका डाली गई है, इसमें परिसर की मांग करी गई है, हिंदुओं को सौंपने की बात कही गई है, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले, जो शिवलिंग का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, उसकी पूजा करने की मांग की जा रही है, मस्जिद के गुंबद को गिराया जाए, इसकी भी मांग करी गई है। अब इसमें क्या फैसला आता है, किस तरह से ये सुनवाई आगे बढ़ती है, अब ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में रहेगा, जहां पे पूरे मामले की सुनवाई होगी, और आगे क्या फैसला लिया जाएगा, क्या ये याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी, या फिर इस पे बहस होगी, इस पे दलीलें पेश करी जाएंगी, तमाम जो कानूनी कार्रवाई है, जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी, और उसके बाद ही अब कुछ फैसला आएगा। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को मोहलत दी है, एक निर्धारित समय दिया है कि इतने समय के अंदर ही इस मामले में फैसला सुनाया जाए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। गौरव, एक और नई याचिका जिसमें चार मांगे हैं, और चार मांगों में दो मांगे हैं कि शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले, मस्जिद के गुंबद को गिरा दिया जाए, तो क्या गुंबद को गिरा दिया जा सकता है, और मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो ये दो मुख्य चीजें सामने निकल कर आई है इस याचिका की, क्या ऐसा संभव है? याचिका ज्ञानवापी पर लगातार हो रही है, और कई तरह की याचिका दाखिल, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला है बहुत पुराना है, अगर इसकी मामले की बात करें तो 1937 की बात है। उसके बाद जो मामला था वो तीसरा पुराना मामला था जिसको स्टे लिया जा चुका है, और इसके अलावा जो मामला अभी अगस्त 2021 का मामला है, जिसके तहत पांच महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की जाए, और साथ ही साथ ज्ञानवापी मस्जिद वहां का सर्वे कराया जाए, इस तरह की याचिका थी। उसके बाद जब वहां के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने इसको फैसला लिया और सर्वे कराया गया और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए अजय मिश्रा और विशाल सिंह, और उसके साथ जब इसका सर्वे हुआ उसके बाद कुछ रिपोर्ट लीक हुई, और रिपोर्ट लीक होने के बाद अजय मिश्रा हटा दिए गए। उसके बाद सर्वे कराया गया, तीन दिन सर्वे हुआ, और काफी बड़ी चीज सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह आई कि बजू खाने में शिवलिंग की उपस्थिति, हालांकि मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि ये फव्वारा है, पर हिंदू पक्ष ने कहा था कि ये शिवलिंग है, इस पर भी लगातार चर्चा बनी रही। उसके बाद जो ये मामला था ये हाईकोर्ट गया,
और हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई सिविल कोर्ट के माध्यम से होगी और मामला इसमें सुनवाई चल रही है, उसकी सुनवाई कल होनी है। और जो इस याचिका की आप बात कर रही है, याचिका कल दाखिल की गई थी। उस याचिका के तहत गुंबद तोड़ने की बात कही गई थी, मंदिर में पूजा अर्चना की बात की गई थी, मुस्लिमों की एंट्री बैन की बात की गई थी और साथ ही साथ कहा गया था वहां पर जो नमाज होती थी वो नमाज ना होने दिया जाए। इस तरह की मांग वहां पर की गई है, याचिका दाखिल की गई है और याचिका रवि कुमार दिवाकर जी की सिविल कोर्ट में दाखिल की गई थी। उसके बाद ये याचिका फास्ट कोर्ट में भेजी गई है जहां पर महेंद्र नाथ पांडे इसको देख रहे हैं। अब इस पर भी सुनवाई 30 तारीख को होनी है। तो याचिका का दौर चल रहा है और तमाम तरह की याचिकाएं होती रहेंगी, पर याचिका का फैसला क्या आता है, क्योंकि गुंबद तोड़ना, किसी भी धार्मिक इमारत को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर तमाम तरह तरह के कानून है। और हम यहाँ पर देखा है कि जो पिछला व्यवहार था राम मंदिर बाबरी का व्यवहार, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मामले से हल हुआ है। तो यहाँ पर गुंबद तोड़ना है या वहाँ पर सर्वे होना है, इस तरह के फैसले अदालत लेती है और अदालत के फैसले के बाद ही वहाँ पर कार्रवाई होती है। गौरव, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिला कोर्ट को कि 8 हफ्ते के अंदर ही फैसला सुनाया जाए और जो ये नई याचिका आ गई है इसको ध्यान में रखते हुए क्या इसीलिए 8 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाना, क्या इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को भेज दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जिला जज को दिया है और जिला जज अपने माध्यम से सिविल कोर्ट जज को कहा है रवि कुमार दिवाकर से फैसला सुनाएंगे। और ये नई याचिका दाखिल हुई है, याचिकाएं मैंने कहा याचिकाएं आती रहती है और उन याचिकाओं पर सुनवाई होती रहती है। मैंने आपको कहा जो एक याचिका है, जो मेन याचिका है, जो 5 महिलाएं हैं, उसकी सुनवाई कल 26 मई को होनी है और जो याचिका है उन्होंने कल दाखिल की है उसको सुनवाई हो रही है, आ रही है और सुनवाई होने के बाद अगली सुनवाई 30 मई को होगी। तो याचिकाएं ज्ञान भापी मस्जिद से जुड़ी हुई है और जो नई याचिका है जो दाखिल की गई है वो विश्व वैदिक सनातन संघ के जो प्रमुख है जितेंद्र सिंह बिसेन और जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है उनके द्वारा दाखिल की गई है कि वहां पर 4 मांगे हमारी मानी जाए। तो याचिका चल रही है और उन पर सुनवाई होती रही, डेट बढ़ती रहेगी। और जो मुख्य मामला है जो अगस्त 2021 में याचिका दाखिल की गई थी कि वहां पर पूजा की अनुमति दी जाए और साथ ही साथ ज्ञानवापी मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए, उस पर फैसला 4-8 हफ्ते के अंदर देना है और सुनवाई 26 मई यानी कल होने वाली। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में जिला जज राजीव भारती की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कानून के छात्र छात्राओं द्वारा दाखिल किए गए मुकदमे में ये सुनवाई हुई। ये याचिका सीपीसी की धारा 92 के तहत दाखिल की गई और इस पर सुनवाई के बाद जिला जज राजीव भारती फैसला सुनाएंगे। बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थल और शाही ईदगाह प्रकरण में विधि की 7 छात्राओं सहित दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से की है। मैं पहले भी प्रशासन से बार बार अनुरोध कर चुका हूं कि भाई मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की प्रार्थना की थी और गंगा जल से उसे उस कथित ईदगाह को धोने की, शुद्ध करने की प्रार्थना की थी न्यायालय से। तो मुझे अपनी जान का बहुत खतरा बढ़ गया है। मैं बार बार प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ, न जाने प्रशासन की क्या मंशा है कि अभी तक तो कोई सुरक्षा नहीं मिल पाई है। तो अब ज्ञान व्यापी के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। आपको बता दें कि सीपीसी की धारा 92 के तहत दाखिल की गई है याचिका और सुनवाई के बाद जिला जज राजीव भारती फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में विधि की 7 छात्राओं सहित दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से की है। और इस खबर में हमारे साथ मथुरा से संवाददाता धनीराम जुड़ चुके हैं। धनीराम, हम जानकारी चाहेंगे कि आज जो सुनवाई होनी थी उसमें कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आया है? जी, मैं बता दूं ना आपको, आज कोर्ट की सुनवाई फिर टल गई है। 31 मई को फिर दोबारा कोर्ट की सुनवाई की जाएगी। जन्मभूमि के जो जन्मभूमि और ईदगाह के जो दावेदार हैं उनके द्वारा साक्ष्य जुटाने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे। इसमें से लगातार अभी तक मथुरा जन्मभूमि को लेकर के 11 याचिकाएं दायर की जा चुकी है जिनका फैसला अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। आज एक और सुनवाई होनी थी उसी साक्ष्यों को जुटाने को लेकर के,
फिर ये सुनवाई 31 मई तक के लिए टाल दी गई है। जी, अगर याचिकाओं की बात करें तो याचिका में कौन कौन सी मुख्य मांगे रखी गई हैं? मांगे उसमें दावा ये किया जा रहा है कि जो याचिकाता है वो कह रहे हैं कि जो ईदगाह है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और वो पहले जन्मभूमि ही थी, उसके साक्ष्यों को लेकर के ये दावा कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने अभी मांग की थी कि ईदगाह को गंगा जल से धोया जाएगा और वहां लड्डू अभिषेक किया जाएगा, वहां विराजमान श्री कृष्ण को किया जाएगा। कई सारी मुद्दों को लेकर के इन्होंने याचिका दायर की थी, जिन पर लगातार कोर्ट के द्वारा याचिका सुनवाई करने को दी जाती है और लगातार साक्ष्यों के आधार पर इनको समय दिया जाता है। फिर आज एक बार याचिका सुनाई जानी थी, जिसको लेकर के साक्ष्यों को अभी नहीं जुटाने पर फिर 31 तारीख को फिर दोबारा सुनवाई की जाएगी। जी, अगर याचिकाकर्ता की बात करी जाए तो वो कह रहे कि उनकी जान पे भी खतरा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं बताऊं, याचिकाकर्ता ने रात को वो बता रहे थे कि हमें गोवर्धन से आ रहा था, गोवर्धन से आते हुए किसी अज्ञात लोगों ने उन पर नकाब पोश थे जो कि उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल को रुकवाने का प्रयास किया और वो नहीं रुके, और उन्होंने ये किया है कि प्रशासन मेरी सुरक्षा की, उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है, प्रशासन से मांग की है कि मेरी सुरक्षा की जाए, मुझे इस जन्मभूमि विवाद को लेकर के जो मैं याद करता हूँ उसको लेकर के मुझे अपनी जान का खतरा है। जी, तो इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है? ये अभी उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मुझे अपनी जान का खतरा है, जिसको लेकर के अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है कि ये सच है या झूठ है, और जो सच होगी उसके आधार पर वो आगे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धनीराम खंडेलवाल जुड़े थे मथुरा से। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।